हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निश दिन तुम, हरि का नाम जपो निश दिन, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम हमारा फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय प्रभु नाम नावे, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, रसना पर हरि नाम नयावे, आभूषण से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नयावे, देह पड़ी रहे जाए यहीं पे, देह पड़ी
नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवते वासुदेवाय नमो नारायणाय, महामंत्र जो भी जपे जन्म सफल हो जाए। नरसिंह वामन कृष्ण तू, परशुराम तू ही राम, श्री हरि तेरे चरणों में शत शत कोटि प्रणाम। तेरी ज्योति से मिलता ज्ञान का परम प्रकाश, तेरे गुण गा कर तुलसी बन गए तुलसीदास। रूप चतुर भुज धारी प्रभु शंख चक्र लिए हाथ, नाथ अनाथों के तुम हो हे स्वामी जगन्नाथ। सिंधु सुता संग तेरी पूजा जो करे सुबह हो शाम, सकल मनोरथ सिद्ध हो जग में बड़ा हो नाम। बद्री नारायण स्वामी तेरी गूंजे जय जयकार, इस कलयुग में भक्तों का करते हो उद्धार। ऋषि मुनि तेरे गुण गाए वेद भी करे बखान, जिसके सर तेरा हाथ हो जाए धनवान। चरणों से निकली गंगा गई धरा पे आए, कितने पापी तर गए जल में डुबकी लगाए। तन मन को निर्मल करे पावन तेरा नाम, रोगी रोग से मुक्त हो पल में मिले आराम। व्रत बृहस्पति वार जो करते मन चित लाए, पूरी हो मनोकामना मन वांछित फल पाए। पत्थर भी नारी बनी चरण धूलि को पाए, शाप मुक्त हुई अहिल्या राम नाम गुण गाए। तेरे नाम के सुमिरन से सिद्ध होत सब काम, तीनों लोक में परमेश्वर सबसे बड़ा तेरा नाम। जय
जग में सबसे सुंदर है पावन प्रभु का नाम। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। सत्य नारायण रूप में करते अनधन की बरसात। सत्य नारायण पूजन से बन जाए बिगड़ी बात। जगत पिता है परमेश्वर जग के पालनहार। ऐसी कृपा करो हे स्वामी सुखी रहे संसार। सृष्टि के हर जीव में आपका ही है वास। आपकी छाया पा करके आम भी होता खास। जगत पिता है जगदीश्वर नमन करो सिर नाए। मुझको भी अपना लो स्वामी जीवन सफल हो जाए। सूर्य के तेज में आप हैं चांद की रोशनियाँ। चलती हवाएं आप से जल थल नभ में आप। क्षीर सागर में बैठ के जग को घुमाते आप ही पालनहार हैं दुनिया चलाते आप। धर्म की रक्षा करने को लेते हैं अवतार। निज जन की रक्षा करते दुष्टों को देते मार। आपकी लीला का प्रभु कोई न पाया पार। आपकी ही संतान है ये सारा संसार। किस विधि तुमको ध्याऊं मैं मुझको नहीं है ज्ञान। बालक जान के हे प्रभु चरणों में दो स्थान। बस इतनी कृपा करना हे अनाथों के नाथ। मेरे सर पे हे भगवन रखना अपना हाथ। मेरा मन भी करता है सदा रहूं तेरे पास। मुझको भी मेरे स्वामी बना लो अपना दास। सिंधु सुता संग सागर में करते आप निवास। शेष नाग शैया बन के आपके रहते पास। पक्षी राज गरुड़ जी पे रहते आप सवार। जल थल नभ में हे प्रभु करते आप बिहार। आपके दर पे आते हैं शारदा शेष महेश। सदा ही सेवा में रहते गौरी पुत्र गणेश। केला फल मिसरी मेवा तुलसी दल जो चढ़ाए। उसके बिगड़े काम बने प्रभु कृपा बरसाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सुनिए विनय। सेवक की चित लाय कीरति कुछ वर्णन करो, दीजे ज्ञान बताए। विष्णु भगवान खरारी कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख पुजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बनी तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मतस्य तन सिंधु बनाया, चौदह रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धरि सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणा कुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भाति मैं करहूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाए, हर्षित रहत परम गति पाए।
कठिन पर सदा सहाई, जिन जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे।
तू अपने मन के खोल, द्वार तू अपने मन के खोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हरि नाम की माला जप ले, हरि नाम की माला जप ले, पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं, अंतर घट मन को मथ ले, अंतर घट मन को मथ ले, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। हरि नाम की माला जप ले, हरि नाम की माला जप ले, पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं, जीवन अधूरा है, घाटा सत्संग बिना होता नहीं पूरा है, नाम बिना ये तेरा जीवन अधूरा है, घाटा सत्संग बिना होता नहीं पूरा है, तेरी बीती उमरिया सारी, तेरी बीती उमरिया सारी, पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं, रिश्तेदार सारे यहाँ मतलब के यार हैं, क्यों मुँह लगाना ये तो झूठा संसार है, रिश्तेदार
सारे यहाँ मतलब के यार हैं। क्यों मुँह लगाना ये तो झूठा संसार है। प्रभु नाम से प्रीत लगा ले, प्रभु नाम से प्रीत लगा ले। पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं। सच्चा इंसान है, सच्चा इंसान है वो, सच्चा इंसान है। नाम पियाला जिसने पिया वो महान है, पिया वो महान है जो, पिया वो महान है। पर उपकार करे जो सच्चा इंसान है। नाम पियाला जिसने पिया वो महान है। उसकी सतगुरु कर रखवाली, उसकी सतगुरु कर रखवाली। पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं। प्यारा तन ये तेरा प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है। माया धन सुख में तूने नाम को भुलाया है, नाम को भुलाया है, नाम को भुलाया है। ओ, कितना प्यारा तन ये तेरा प्रभु बनाया है। माया धन सुख में तूने नाम को भुलाया है। गुरु शरण अभूल सुधारी, गुरु शरण अभूल सुधारी। पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं। कांड सारे बिना नाम के बेकार है, नाम के बेकार है, नाम के बेकार है। सेवा व्रत सुमिरन प्रभु मिलन के द्वार है, मिलन के द्वार है, मिलन के द्वार है। हाँ, कर्म कांड सारे बिना बेकार है। सेवा व्रत सुमिरन प्रभु मिलन के द्वार है। हरि नाम को तू अपना ले, हरि नाम को तू अपना ले। पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। हरि नाम की माला जप ले,
हरि नाम की माला जप ले, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। अनमोल मानव जीवन व्यर्थ ना गवाना, थोड़ा सा ध्यान प्रभु चरण में लगाना। अनमोल मानव जीवन व्यर्थ ना गवाना, थोड़ा सा ध्यान प्रभु चरण में लगाना। सुमिरन का कर ले सफर धीरे धीरे, सुमिरन का कर ले सफर धीरे धीरे। भटकता है क्यों हुआ है दीवाना, बैठा वो तेरे भीतर क्यों ना पहचाना। फिरता भटकता है क्यों हुआ है दीवाना, बैठा वो तेरे भीतर क्यों ना पहचाना। संशय का हटा दे भंवर धीरे धीरे, संशय का हटा दे भंवर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। यही रह जाने तेरे महल धन दौलत, आए गयम मिले क्षण की न मोहलत। हो यही रह जाने तेरे महल धन दौलत, आए गयम मिले क्षण की न मोहलत। पाले तू राम रतन धीरे धीरे, पाले तू राम रतन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र।
लक्ष्मीपति जय लक्ष्मीपति। करता करुणामय कृपा निधान की, सृष्टि के पालन करता करुणामय कृपा निधान की, जय विष्णु भगवान की, जय जय विष्णु भगवान की, जय विष्णु भगवान की, जय जय विष्णु भगवान की। सृष्टि के पालन करता करुणामय कृपा निधान की, सृष्टि के पालन करता विष्णु भगवान की, जय जय विष्णु भगवान की, जय विष्णु भगवान की, जय जय विष्णु भगवान की। सबके संकट दूर कर ओम जय जगदीश हरे, सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे। रक्षा के लिए प्रभु ने वराह अवतार लिया, अति बलशाली हिरण्याक्ष का पल भर में संहार किया, पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रभु ने वराह अवतार लिया, अति बलशाली हिरण्याक्ष का पल भर में संहार किया। खोज के पृथ्वी को जब लाए देव अंबर से फूल बरसाए, सफल हो जाए ऐसी महिमा है गुणगान की, जीवन सफल हो जाए ऐसी महिमा है गुणगान की। जय विष्णु भगवान की, जय जय विष्णु भगवान की, जय विष्णु भगवान की, जय जय विष्णु भगवान की। सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे, का कृष्ण रूप में प्रभु आए, कंस कुमार के कृष्ण जी सबको प्रेम की भाषा सिखलाए, जब बड़ा अत्याचार कंस का कृष्ण रूप में प्रभु आए, कंस कुमार के कृष्ण जी सबको प्रेम की भाषा सिखलाए। काल ने महाभारत करवाया, कृष्ण ने धर्म ध्वजा लहराया, हैं सब लोग ये बातें सारी वेद पुराण की, जानते हैं सब लोग ये बातें सारी वेद पुराण की। जय विष्णु भगवान की, जय जय विष्णु भगवान की, जय विष्णु भगवान की, जय जय विष्णु भगवान की। सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे, सबके संकट दूर राज रावण को मार के संतों का उद्धार किए, धरती का संताप मिटाने राम जी का अवतार लिए, राक्षस राज रावण को मार के संतों का उद्धार किए। राम प्रभु मर्यादा सिखलाए, सबके दिल में राम समाए, राम प्रभु मर्यादा सिखलाए, सबके दिल में राम समाए।
श्री राम जी बाजी लगाए जानकी। वचन निभाने को श्री राम जी बाजी लगाए जानकी। जय विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की। सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जान बचाने को भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु, दिखा दिए ये जमाने को। नरसिंह रूप किए धारण प्रभु, भक्त की जान बचाने को भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु, दिखा दिए ये जमाने। प्रभु जी हिरण्यकश्यप को मारे, परम भक्त प्रह्लाद को मारे। निराली मेरे प्रभु के आन बान और शान की। बात निराली मेरे प्रभु के आन बान और शान की। जय विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की। सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन सब भार तुम्हारे हाथों में।
यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का दास बनूं, तेरे चरणों का दास बनूं, इस पूजक की एक एक रग का भरतार तुम्हारे हाथों संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे हाथों। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों। भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, अपने भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। पालन करता भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि के पालन करता है, अपने भक्तों की सदा पुकार सुनते हैं, सदैव उनके सारे बिगड़े काम बनाते हैं, और संकट के एक क्षण में जब भी कोई भक्त भक्त परायण विष्णु भगवान को पुकारता है, तो एक क्षण मात्र का विलंब किए बिना भी दौड़े चलकर आते हैं और अपने भक्त को संकट से उबारते हैं। तो आइए भक्तजनों, गज और ग्रह की इस पावन कथा को सुनते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे भक्त ने एक बार पुकारा और भगवान दौड़े चले आए। गज
विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान। जब भक्तों पे संकट आया, जब भक्तों पे संकट आया, दूर के भगवान करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। एक गजराज था सुंदर, वो रहता पर्वत ऊपर, प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर, प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर, झुंड के बीच में चलता, मस्ती में झूमता रहता, विष्णु का परम भक्त वो सदा नारायण कहता, विष्णु का परम भक्त वो सदा नारायण कहता। जंगल के सारे जीवों का, जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, गजराज भगवान विष्णु का परम भक्त था। दिन में खेलता, खाता, मस्त रहता और सुबह शाम आठों याम भगवान को याद करता रहता था। भगवान विष्णु को वो अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुंदर से सरोवर के नजदीक जा पहुंचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतरकर पानी पानी खेलने लगा। वो सब अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फेंक कर बड़े ही मजे से खेल रहे थे। झुंड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी, शाम थी बड़ी सुहानी, गज के पाँव को घसीटा मुँह में लेके, ग्राह ने गज के पाँव को घसीटा मुँह में लेके, गज का पाँव जब ग्राह ने पकड़ा, गज का पाँव जब ग्राह ने पकड़ा, हुए सभी परेशान, करूँ मैं विष्णु का गुणगान, करूँ मैं विष्णु का गुणगान, बड़ा ही सुंदर गंधर्व जो देवल ऋषि के श्राप से तालाब में मगरमच्छ बन गया था। वो मगरमच्छ गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़कर गहरे पानी में खींचने लगता है, जिसे देखकर हाथियों का झुंड परेशान हो जाता है। मगर चूंकि पानी बहुत गहरा होता है, इस वजह से
चाहकर भी कोई गज की मदद नहीं कर पाता है। ग्रह और गज के बीच घमासान लड़ाई होती है, मगर ग्रह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं लेता। वो बलपूर्वक गज को पानी के अंदर खींचता है और गज का आत्मविश्वास और बल धीरे धीरे जब जवाब देने लगता है तो वो हरि को पुकारता है और क्या कहता है। ग्राह ने जोर लगाया, पाँव में दांत गड़ाया, हाथी के बहते लहू को वो पीकर प्यास बुझाया। गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर, पी के गज राज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर। श्री हरि को तब गज ने पुकारा, श्री हरि को तब गज ने पुकारा, संकट में थे प्राण, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। प्रिय भक्तों, ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीषण लड़ाई होती है और ये लड़ाई 6 महीने तक चलती है। ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है और खून बहने से गजराज कमजोर होता जाता है। अंत में गजराज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा, तो वो भक्त वत्सल भगवान विष्णु को करुणा भाव से पुकारता है और क्या कहता है, आइए सुनते हैं। प्राण संकट में पाकर गज ने विष्णु को पुकारा, विष्णु जी दौड़े आए, चक्र से ग्राह को मारा। जनों, भक्त वत्सल भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को पुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते। और इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी जी कहते हैं, अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भक्त जनों, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है तब तब श्री हरि विष्णु जी ने अलग अलग रूपों में अवतार धारण कर भक्तों को पापों संतापों से मुक्त किया है। उनके प्रमुख अवतार हैं भक्तों, मत्स्य अवतार, वरा अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार, राम अवतार व कृष्ण अवतार। परंतु आज मैं आपको उनके मोहिनी अवतारों की दो प्रमुख संगीतमय कथाएं सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको ज्ञात होगा कि क्यों और कैसे श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किए और कैसे देवों का रक्षण किया। तो एक बार बड़ी श्रद्धा के साथ प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की। कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा, कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा। मोहिनी के रूप ने तो भक्तों को अपने तारा, कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा, कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा। पहली कथा सागर मंथन की है भक्तों, देव और दानव मिलकर सागर मंथन कर रहे हैं। मंथन से 14 रत्नों के साथ साथ वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश भी लेकर निकली, जिसे पाने को देव और दानव आपस में भिड़ गए थे। भक्तों, दानव अधिक बलशाली थे, सो अमृत कलश लेकर भाग निकले। सभी देवी देवता श्री हरि नारायण की शरण में आए और अमृत कलश वापस लाने की गुहार करने लगे। भला अपने भक्तों की पुकार देवा नारायण कैसे ना सुनते। उन्होंने मन ही मन एक युक्ति सोची। हे श्री हरि नारायण, विपदा हरो हमारी, अमृत को ला दो वापस, हम हैं शरण तुम्हारी, अमृत को ला दो वापस, हम हैं शरण तुम्हारी। हमको तो आपका ही हे हरि तो है सहारा, भगवान श्री हरि नारायण ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया भक्तों, और पहुंच गए असुरों के सन्मुख। उनके अतुलित सौंदर्य को देखकर सभी असुर कामातुर होकर उससे विवाह करने हेतु लालायित हो उठे। मोहिनी रूपी श्री हरि ने कहा, जो उनकी ताल से ताल मिलाकर नृत्य करेगा वो उसी के संग विवाह करेंगे। सारे असुर अमृत कलश को भूल उनकी ताल में ताल मिलाकर नृत्य में मगन हो गए भक्तों। और इसी में अवसर देखकर मोहिनी रूपी श्री हरि विष्णु ने अमृत कलश उठाया और अंतर्ध्यान हो गए, तथा देवों के सन्मुख प्रकट होकर उन्हें अमृत पान करा, उन्हें अमरत्व प्रदान किया। मोहिनी बने नारायण,
असुरों को था नचाया। अमृत कलश उठाया, देवों को था पिलाया। अमृत कलश उठाया, देवों को था पिलाया। मोहिनी के रूप ने ही सभी देवों को था तारा। मोहिनी अवतार की दूजी पावन कथा भगवान शिव से संबंधित है। भक्तों, दैत्य भस्मासुर ने भगवान शिव का कठोर तप किया और जब भगवान शिव उसे वरदान देने आए तो पहले तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। जब भगवान शिव ने इसे नीति स्वरूप न बताया तब उसने वरदान मांगा, हे भोलेनाथ, मैं जिसके सिर पर हाथ धरूं वो तत्काल भस्म हो जाए। भोले शंकर तो भोले हैं भक्तों, तत्काल प्रभाव से तथास्तु कह दिया। जैसे ही तथास्तु कहा तो वो असुर अपने वरदान को प्रमाणित करने हेतु भगवान शिव के सिर पर ही हाथ धरने के लिए उनके पीछे पीछे भागा। भगवान भोले शंकर आगे आगे भाग रहे हैं और असुर पीछे पीछे। भगवान भोलेनाथ भाग कर श्री हरि की शरण में आए और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार करने लगे। भस्मा असुर से बच के विष्णु शरण में आए। भस्मा असुर से बच के विष्णु शरण में आए। भोले शिव को तो बचाने मोहिनी का रूप धाए। गए भस्म असुर के सन्मुख शिव का बने सहारा। कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा। भस्म असुर मोहिनी का अतुलित सौंदर्य देखकर भ्रमित हो गया भक्तों और उससे विवाह करने हेतु आतुर हो गया। मोहिनी रूपी श्री हरि ने कहा कि यदि वो उसकी ताल में ताल मिलाकर नृत्य कर सकता है तभी वो उससे विवाह करेंगी। असुर तत्काल तैयार हो गया। फिर क्या था, जैसे जैसे मोहिनी नाचती असुर उसका अनुसरण करता रहता। नाचते नाचते मोहिनी ने अपना हाथ अपने ही सर पर रखा भक्तों। असुर ने भी उनका अनुसरण करते हुए वैसा ही किया और भगवान शिव के अवतार के अनुसार अपने सिर पर हाथ रखते ही वो तत्काल प्रभाव से भस्म हो गया और इस तरह भगवान श्री हरि के मोहिनी स्वरूप ने भगवान शिव शंकर के प्राणों की रक्षा करी। भगवान भोले शंकर ने श्री हरि नारायण के चरणों में नतमस्तक हो उनकी जय जयकार करी। तो आप भी भक्तों भगवान श्री हरि नारायण की जय जयकार कीजिए। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की। मोहिनी का रूप धर के पापी असुर संहारा। शिव जी के प्राण राखे उनका बने सहारा। शिव जी के प्राण राखे उनका बने सहारा। चंद्र
धन तिलक ने भक्तों श्री हरि का नाम उचारा। कैसे श्री हरि